हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। गाइस, चलिए आपके लिए काफ़ी एक अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। गाइस, ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है, मई के एंडिंग में हमारे जो सीएम हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने क्लियर कट बोला था जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दो चार दिन बाद हमारे जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उनका एक ट्वीट आया, उसके बाद सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक है, उन्होंने बोला था एग्ज़ाम्स होनी चाहिए, उसके बाद ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। लेकिन एक चीज़ वेरी क्लियर समझ लो गाइस, मैं क्लियर पार्ट में बोलना चाहता हूँ आपको। देखो, हमारे सीएम ने बोल दिया है ना, एग्ज़ाम कैंसिल ही मीन्स कैंसिल है। बिकॉज देखो, जो स्टेट का कंट्रोल सीएम के पास है, एग्ज़ाम लेना है नहीं लेना है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बस इतना आप कन्फ्यूज़ क्यों होते हो गाइस? सर कन्फ्यूज़ हो रहा है। और चलिए, आपके सामने में 100% एकदम प्रूफ के साथ आ गया हूँ। 24 जून, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हो, 24 जून को यूजीसी का कुछ गाइडलाइन आया है। ठीक है, यूजीसी का कुछ गाइडलाइन आया है गाइस, उन्होंने क्लियर कट बोला है। ठीक है, यूजीसी का नो एग्ज़ाम फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट यूजीसी को। एक्चुअली हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है, उन्होंने कल एक लाइक रिकमेंडेशन भेजा है यूजीसी को। उन्होंने क्लियर कट बोला है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स लेना पॉसिबल नहीं है, तो मत लो, कैंसिल करो, बिकॉज कोरोना का केस काफ़ी बढ़ते जा रहा है, एग्ज़ाम चाहिए तो कैंसिल कर दो। ठीक है, और जो न्यू सेशन है कमिंग ईयर के लिए, उसको थोड़ा एक आध दो महीना और एक्सटेंड कर दो। जो पहले अगस्त सितंबर का था, उसको अक्टूबर का, ऐसा ट्वीट आया। तो बट ऑब्वियस है, हमारे सीएम ने भी क्लियर कट बोला एग्ज़ाम हम नहीं लेंगे कोई भी हालत में। और यहाँ पे यूजीसी का भी आप अभी रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट आने वाला है, तो बात खलास हो गई यार। काहे को आप लोग पैनिक करते हो, वेरी क्लियर है। यस, चलिए तो हम लोग देख लेते एकदम वेरी क्लियर में गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो जी न्यूज़ का, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम टू बी कैंसिल एट द एचआरडी मिनिस्टराक्ष यूजीसी टू रिवाइज अर्लियर गाइडलाइन। मतलब जो अप्रैल का गाइडलाइन था उसको रिवाइज़ करो, क्योंकि यूजीसी ने अप्रैल में बोला था फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला प्लीज़ आप ये चीज़ को रिवाइज़ करो। ठीक है, और एक बार एचआरडी मिनिस्टर ने बोल दिया, देखिए एचआरडी मिनिस्टर का कल ट्वीट उन्होंने किया है। ठीक है, उन्होंने यूजीसी को क्लियर कट गाइडलाइन किया है। ठीक है, वेरी क्लियर हो गया बच्चा। तो एक बार एचआरडी मिनिस्टर ने बोल दिया, मतलब आप समझ रहे हो उनका कितना पावर होता है। तो अब देख लेते गाइस। चलो, तो अभी इन्होंने पूरा डिटेल क्या है बोला है, एक बार जस्ट अच्छे से तरीके से ज़रा देख लीजिए। मैं और एक चीज़ बोलूँ गाइस, मेरे दोस्तों वेरी क्लियर है, महाराष्ट्र के सीएम ने बोल दिया एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मीन्स कैंसिल हो गया है। आप उसका चिंता मत करो, ये लोग एग्ज़ाम नहीं लेंगे, आप काय को इतना पैनिक कर रहे हो? देखो, वो इंटरनल इश्यूज चलते रहेगा। ये बोलते ना, ये पार्टी वो बोलेगी, वो पार्टी वो बोलेगी। आप स्टूडेंट हो, आपको क्या दुनियादारी में है? आप हर रोज एक नए लाइक बच्चे एकदम एग्रेसिव जैसे हर रोज नए नए न्यूज़ देख रहे हो। अरे छोड़ो यार, एंजॉय करो लाइफ को, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो। कहाँ आप ये सब झमेले में पढ़ रहे हो? इससे मैं ज़्यादा आपको मालूम है, जो जो मेन मेन वीडियो वही मैंने बनाया है। मैं अनवांटेड हर डेली एवरी न्यूज़ को कवर नहीं करना चाहता हूँ, सर दुखाना नहीं चाहता हूँ। जो जो मेन मेन न्यूज़ है मैंने आपके सामने अपडेशन दिया है, और कुछ न्यूज़ आएगा मैं वो भी आपको अपडेट कर दूँगा। वेरी क्लियर गाइस, चलिए देख लेते गाइस। दोस्तों मेरे, ध्यान देना, आपका रोज़ मैं वीडियो बनाऊँ, रोज़ इसने ये बोला उसने ये बोला, आपका सर दुखा के मतलब क्या है? वेरी सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यस, चलिए एक बार देख लेते ये लोग ने क्या बोला है। द बिग रिलीफ टू द मिलियन ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट इन हायर एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, यूजीसी अनाउंस देयर नो एग्ज़ाम फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर कट बोला है नो एग्ज़ाम फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट। ठीक है गाइज, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, इन्होंने एक लाइक हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, इन लोग ने यूजीसी ने कमेटी रिकमेंडेशन किए, जो दो तीन दिन के अंदर, एक आध वीक के अंदर वो लोग अपना मतलब फाइनल ईयर को कैसे प्रमोट करना है उसके बारे में राय रखेंगे अपना। अकॉर्डिंग टू सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, देखो यहाँ पे लिखा भी है क्लियर कट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, हरियाणा, उड़ीसा ने डिसाइड कर लिया एग्ज़ाम नहीं लेना है, तो बस उनकी राय को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये भी बोला है अगर कोई स्टूडेंट को
लाइक हमारे सीएम ने बोला था तीनों साल के एग्रीगेट के बेसिस पे हम उसको प्रमोट कर देंगे, राइट ना। लेकिन अगर कोई बच्चों ने को लग रहा है लाइक हमको कम मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो चाहे तो एग्ज़ाम देना है तो दे सकता है, लेकिन वो सिचुएशन प्रॉपर हो जाएगी तो उसके बाद वो एग्ज़ाम चाहे तो दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, वेरी क्लियर है या। और हमारे जो HRD मिनिस्टर है उन्होंने और क्या बोला है ज़रा सुन लो। उन्होंने बोला है जो फ्रेश जो जो अभी जो SIBCOM FIBCOM का जो बैच है वो अगस्त से चालू होने वाला था, और जो न्यू एकेडमिक ईयर है वो सितंबर से प्लान किया गया था लाइक चालू करने का, उसको थोड़ा वो लोग सोच रहे अक्टूबर तक एक्सटेंड करने का, बिकॉज कोरोना का केस आप देख रहे हो कंट्री में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बस यही है गाइस, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपके सामने एक अच्छी न्यूज़ रख दी है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो महाराष्ट्र के CM ने बोला है वो डिसीजन फाइनल है उन्होंने, और हमारे जो महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बोला है एग्ज़ाम नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अपने सर मत दुखाओ यार, रोज़ के डेली के न्यूज़ सुन सुन के अब एंजॉय करो, रिलैक्स 100% एश्योरेंस के साथ बोल रहा हूँ। अब तो UGC HRD मिनिस्टर का गाइडलाइन भी आ गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए गाइस, तो इससे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। थोड़े दिन बाद में एकदम स्टॉक मार्केट के ऊपर स्टॉक मार्केट के कोर्स आपको सिखाने वाला हो गाइस, उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।